स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है सैंडविच की। एक रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई थी, वो थोड़ा सिंपल तरीके की थी, लेकिन जो आज मैं शेयर कर रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके की है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से बनाती हूँ। मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ, सुबह के बज रहे हैं 9:30, आप थोड़ा लेट में उठे थे, तो आइए देखते हैं मैं किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने बाल जो है बांध दिए हैं, अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद मैंने जो प्याज को छील लिया है अच्छे से, अब मैं इनको पानी में डाल दूँगी, क्योंकि जो ये प्याज होता है अगर पानी में ना डालो तो आँखों में लगता है, खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। इससे अच्छा जब तक सैंडविच बना दूँ तब तक मैं इनको पानी में डाल दूँगी। उसके बाद मैं इस चॉपर में एक प्याज ना एक ये शिमला मिर्च और एक टमाटर को धो के अच्छे से इसमें पीस लूँगी। वो हमने इस तरीके से खाली कर लेना है, क्योंकि अगर इसको खाली करने से क्या होता है ना, इसमें पानी नहीं होता, तो हमें पानी नहीं चाहिए। जो इसके अंदर का होता है उसको आप सब्जी में डाल सकते हो। एक कटोरी में रख लीजिएगा, मैंने भी एक कटोरी में रख दिया है। मैंने डाल दिया ये शिमला मिर्च और टमाटर, अब मैं इसको अच्छे से इसमें पीस लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए आप इस तरीके इसको पीस लेना है। इसके बाद मैं ये पत्ता को भी अच्छे से धो लूँगी, आप देख सकते हैं पूरी साफ़ है एकदम। ये मैंने दो पानी धो लिया है, भी चॉपिंग के लिए इसमें रख दिया है। अब देखिए इसको भी मैं अच्छे से इसी तरीके से इतना ही पीस लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इतना महीन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं इसमें आज मेयोनीज लगा रही हूँ, वो है ये मैं जितनी भी मेयोनीज लगा रही हूँ सारी एगलेस है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो एग नहीं खाते, इसीलिए एगलेस मेयोनीज का यूज़ करती हूँ। एक ये वाली कर रही हूँ, सेकंड ये वाली कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं, ये है अमूल का चीज़ स्लाइस है इसकी चीज़ की, तो आप देख सकते हैं ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। और जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो ये हैं, और जो मैंने ये बनाया था वो ये है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जितने भी हमको मेयोनीज चाहिए, ये मेयोनीज जितनी भी चाहिए मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, आपको दिखाती हूँ करके। तो इसके अंदर मैं ये मेयोनीज डाल दूँगी, देख सकते हैं ये वाला ख़त्म हो चुका है, तो इसमें से डाल दूँगी। काफ़ी इतनी मेयोनीज, चलो थोड़ा और डाल देती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा कम पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा और डाल दूँगी। क्योंकि जो ब्रेड है उसमें मैं डालूँगी अब इसको, ब्रेड में जो है मैं ये वाला लगाऊँगी इसके लेयर पे, और इसको मैं अंदर जब उसके स्टफिंग करूँगी उसके लिए मैंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। जो स्टफिंग के अंदर के जो हमें भरना है वो तैयार हो चुका है। अब जो प्याज है, जो मैंने प्याज जो है मुझे वो ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं इस जार में अच्छे से पीस लेती हूँ। तो मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी। तो मैंने इसमें जो प्याज था वो भी मैंने डाल दिया, वो मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैंने इस तरीके से डाल दिया, गोल कट करने का मुझे सही नहीं लगा ज़्यादा। तो इसमें थोड़ा सा मैं मेयोनीज और ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा क्रीमी हो जाए, है ना, क्रीमी होता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इस पर लगा लिया है ये मेयोनीज, अब मैं इसमें स्टफिंग कर दूँगी। मैंने जो है स्टफिंग कर ली है, अब मैं इसमें रख दूँगी ऊपर से, इसके ऊपर से जो हमने चीज़ लिया है, चीज़ की स्लाइस ली है, वो मैं इसके ऊपर से रख दूँगी। देख सकते हैं चीज़ की स्लाइस मैंने रख दी, आपके पास जैसा चीज़ हो आप वो रख सकते हो, वो इसमें डाल सकते हो। अब इसके बाद जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो आलू को मैं इसके ऊपर रख दूँगी। जो है मैंने आलू भी इसके ऊपर रख दिया है, देख सकते हैं। और क्योंकि जो ये मैंने चीज़ इसके नीचे इसलिए रखी है ताकि जो आलू है वो थोड़ा गर्म है और चीज़ थोड़ा जो है वो मेल्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर आलू रख रखा। अब इसके ऊपर जो हमें ये
ब्रेड रखना था उसके ऊपर हम वो ब्रेड रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार इस तरीके की सैंडविच को, बहुत मज़ा आता है खाने में। आई होप कि आपको जो मेरी ये रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।